हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी घर बैठे ही कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पोस्ट इन्फो। दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक 5 मिलियन लोग ने इसे डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से भी इसे चेकआउट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद से आपको इसको ओपन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग के मन में एक ये डाउट है कि ये तो काफ़ी पुराना चीज़ है, ये तो पहले भी था। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल अपग्रेड करके यहाँ पे इस एप्लीकेशन को फिर से इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं उसको लाइव की गई हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज के आगे यहाँ पर आपको 2023 आपको मिलेंगी। दोस्तों इसमें जितने भी सर्विसेज हैं सबको अप टू डेट करके फिर से लाइव किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सर्विस मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे ऊपर वाले में आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस में आपको अपना फुल एड्रेस टाइप करना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पे टाइप कर देना है। इस वाले में दोस्तों आपको अपना पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा। दोस्तों अगर आप अपने वर्तमान पते पे नहीं रह रहे हैं, आप किसी दूसरे जगह रह रहे हैं, अगर आप वहाँ बुलाना चाहते हैं तो आप अपना वर्तमान पता नहीं डालेंगे, आप जिस भी एड्रेस पर रह रहे हैं उस एड्रेस का यहाँ पर पिन कोड और वही उस एरिया का यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको इसमें ईमेल आईडी अपना फिलअप करना है। दोस्तों उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, कोई सा भी आपको मोबाइल नंबर देना है जो कि एकदम बिल्कुल लाइव हो, जिस पे आपको इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो वो आपसे संपर्क कर सकें। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस दिया हुआ है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको IPPB आधार सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट सर्विस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके नंबर पे यहाँ पे OTP सेंड हो जाएगा और उस OTP को यहाँ पे आपको इस वाले में भर देना है और भरने के बाद से आपको कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमें मिल गया है। दोस्तों इस रेफरेंस नंबर को हमें कहीं कॉपी पेन पे नोट करके रख लेना है या तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब दोस्तों अगर आपको जो भी अपने रिक्वेस्ट सबमिट किया है उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को फिर से अपने ओपन करना है और आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों जो भी रेफरेंस नंबर मिला है आपको इसमें भर देना है, भरने के बाद से आपको फैच पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। दोस्तों विद इन 7 डेज के अंदर जो है इनके जो इम्प्लॉई हैं वो आपके घर पे आएंगे और आपका जो अपडेट है वो कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद से वो आपसे ₹50 का चार्ज देंगे जो कि एक सरकारी शुल्क है, उसमें वो आपसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो आप जो है उनको ₹50 पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार एक पोस्ट ऑफिस की ये सर्विस है जो कि काफ़ी, इसके लिए हमें जाके जितने भी आधार सेंटर है वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, जो कि अभी आपको ये सर्विस घर पे बैठे ही मिल रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई, जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें।